जैसा कि आपको पता है 2 मई को मैंने पटना में जन सुराज के नाम से एक अभियान की जो घोषणा करी है उसी संदर्भ में आज मैं दूसरी बार आपके जिले समस्तीपुर में आया हूं। ये 2 अक्टूबर से जो मैं पदयात्रा करने वाला हूं उसके पहले के प्रिपरेशन के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि उस अभियान के तहत मैंने घोषणा करी थी कि जिन लोगों ने अपने यहाँ मुझे बुलाया है या जो अपने लोगों से, अपने समाज से, अपने साथियों से, मित्रों से मेरा परिचय कराना चाहते हैं, ऐसे कोई 17,500-18,000 लोगों ने 2 मई को जो हम लोग के पास सूचना थी उसमें वो संख्या 17,500-18,000 लोगों की थी। ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर, अपने शहर, अपने गांव, अपने पंचायत में बुलाया था, उनके यहाँ मुझे जाना था पदयात्रा शुरू करने से पहले। मैंने अपने कुछ पिछले वार्ताओं में भी ये बताया है कि अब वो संख्या बढ़ के करीब करीब 70,000 से 75,000 के आसपास हो गई है। 70,000 से 75,000 लोग पूरे बिहार में ऐसे हैं जिन्होंने मुझे स्वयं से बुलाया है या हमारी टीम ने उनसे संपर्क किया होगा। वो चाहते हैं कि मैं उनके पास जाऊं, उनके खेत, उनके कल्याण, उनके गांव, उनके बरामदे, उनके घर में बैठकर जन सुराज के विषय में जो मैं ये कर रहा हूँ या जो प्रयास कर रहा हूँ इसके विषय में उनके और उनके साथियों, उनके परिवार, उनके मित्रों को ये बताएं कि ये पूरा अभियान क्या है, इसमें क्या कुछ किया जाना है, उससे इस अभियान से वो कैसे जुड़ सकते हैं। ये पूरे उसी अभियान के तहत मैं आज समस्तीपुर में दोबारा आया हूँ। ये आज मेरा समस्तीपुर में 3रा दिन है। इससे पहले मैं आया था, एक दिन रुका था और आज ये 2रा दिन है। 2 अक्टूबर से जैसा मैंने पहले घोषित किया हुआ है गांधी आश्रम चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से हम लोग एक पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा का उद्देश्य 3 है। 1, कि बिहार के हर गांव, हर पंचायत, हर शहर, हर ब्लॉक, हर मोहल्ले में पहुंचा जाए, लोगों से संवाद, सीधा संवाद स्थापित किया जाए और इस पूरे आउटरीच और संवाद के पीछे 3 जो डिफाइंड पर्पस है, 3 जो उद्देश्य है वो है कि समाज में लोगों से बातचीत करके ये पता किया जाए कि कौन से ऐसे सही लोग हैं समाज में जिनको राजनीति में लाया जा सकता है या जो राजनीति में आना चाहते हैं और साथ में मिलकर आगे चलना चाहते हैं। 2रा उद्देश्य ये है कि लोगों से समस्याओं के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में जाना जाए, समझा जाए। और 3रा उद्देश्य ये है कि समाज में जो लोग धरती की समझ रखते हैं, बिहार को सुधारने, बेहतर बनाने के लिए अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, उनकी सोच, उनके सुझाव, उनके मार्गदर्शन से कुछ फायदा उठाया जाए, कुछ को अपनी जो पूरी सोच है उसमें उसको समाहित किया जाए। पदयात्रा के अंत में, पदयात्रा जब खत्म होगी तो एक ऐसा प्रयास है कि जितने लोग भी ऐसे चिन्हित किए जाएंगे जो साथ चलने के लिए तैयार होंगे वो उनके साथ मिलकर राज्य स्तर पर एक बड़ा अधिवेशन 2 दिन या 3 दिन का किया जाएगा। आगे का रास्ता, राजनीतिक दल बनाना है नहीं बनाना है, कैसे चलना है, वो सब मिलकर ही तय करेंगे। वो 20,000 की संख्या भी हो सकती है, 1,00,000 की भी संख्या हो सकती है। मैं आज ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि कितने लोग इस पूरे पदयात्रा के दौरान जुड़ेंगे और इस आगे इस सोच से जुड़कर आगे चलना चाहेंगे, लेकिन जो लोग भी इससे जुड़ेंगे, आगे चलना चाहेंगे, वो मिलकर ही ये तय करेंगे पदयात्रा के बाद कि इसके आगे का जो स्वरूप है इस पूरे अभियान का उसका क्या होगा, इसको दल में परिवर्तित किया जाएगा या नहीं, और अगर किया जाएगा तो उस दल को चलाया कैसे जाएगा, उस दल का संविधान का क्या होगा, उसके पदाधिकारी कैसे बनाए जाएंगे, उसका टिकट कैसे बटेगा, इन सारे चीज़ों को लोकतांत्रिक और सामूहिक तौर पर ही डिसाइड किया जाएगा। अगर कभी दल बनता भी है तो वो दल कोई प्रशांत किशोर का या किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक जाति, एक समुदाय का नहीं होगा, वो उन सारे व्यक्तियों का होगा जो मिलकर इस सोच से जुड़कर इस दल के निर्माण में इसके संस्थापक बनेंगे। जुड़ गए थे वाली बात नहीं है, मैं तो उनके साथ 2015 में मैंने महागठबंधन का काम किया है, 2018-19 में मैंने उनकी पार्टी को फॉर्मली ज्वाइन करके उस पर एक जिम्मेवारी भी ली थी, और आज भी जब मैं नीतीश जी से अलग हुआ था तब भी और आज भी मैं कह रहा हूँ मेरे व्यक्तिगत तौर पर उनसे बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं।
अगर आपको याद होगा जब पार्टी से मुझे हटाया गया तब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये बताया था और जो मेरे शब्द थे मैं उसको दोहरा रहा हूँ कि जितने दिन भी मैं और नीतीश कुमार जी साथ में थे मेरा और उनका जो संबंध है वो पिता पुत्र समान ही रहा है। तो मेरा वो उनसे व्यक्तिगत आज भी बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध होना एक बात है और राजनीतिक और प्रोफेशनल जो क्षेत्र है उस पर मेरा आकलन जो है वो अलग बात है। मैं जो आज आपने कहा क्यों छोड़ा, वो तो पब्लिक डोमेन में है। सीए एनआरसी को लेकर जदयू में जो कॉन्ट्राडिक्टरी पोजिशन थी, क्योंकि पार्टी में दो बार इंटरनल चर्चा में नीतीश जी ने ही खुद से ऐसा बताया कि सीए एनआरसी के विरोध में हम लोग खड़े होंगे, पार्टी ने पार्लियामेंट में उसके पक्ष में वोट कर दिया, विधानसभा में यहाँ उसके विपक्ष में आ गए। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई आप हम लोग को ये तय करना चाहिए कि हम किस साइड होना चाहते हैं। पार्टी में दूसरी बात बता रहे हैं, पार्लियामेंट में कुछ दूसरा कह रहे हैं, विधानसभा में कुछ तीसरा कह रहे हैं। तो उससे मुझे जो तकलीफ थी या मुझे उससे जो मेरा मतभेद था वो मैंने पब्लिकली बताया। नीतीश जी और उनकी पार्टी, उस समय जदयू की जो लीडरशिप थी, उन्होंने तय किया कि भाई ये मेरे लिए ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे निकाल दिया पार्टी से। ये उनका प्रीरोगेटिव है, उनका सम्मान है। जदयू की स्थिति एज ए दल 2010 में 2017 में जब उन्होंने मुझे हटाया 18 में, उस समय के मुकाबले आज कहाँ है ये मैं आपके और जनता के विवेक पर छोड़ रहा हूँ कि नहीं आ रहे हैं। ऐसी कोई घोषणा मैंने मतलब फॉर्मली राष्ट्र के स्तर पर हमने आपने तो देखी नहीं है। मीडिया के माध्यम से जो बातें कही जा रही हैं वो हम लोग भी सुन रहे हैं। मुझे मेरे से ये सवाल पूछा गया जब ये महागठबंधन बन रहा था आपसे कुछ दिन पहले, तो मैंने उस दिन भी कहा था, उसी बात को आपके सामने दोहरा रहा हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार का जो ये प्रयोग है ये बिहार सेंट्रिक है, इसकी इसके पीछे की सोच राष्ट्रीय नहीं लगती है मुझे। ऐसा नहीं है कि राष्ट्र के स्तर पे, नेशनल स्तर पे कोई बहुत बड़ी रणनीति, बहुत बड़ी सोच, बहुत बड़े प्रयास को पहले जामा पहनाया गया और उसकी शुरुआत बिहार में की जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बिहार सेंट्रिक प्रयास है, बिहार में इसको किया जा रहा है। चूंकि बिहार बहुत बड़ा राज्य है, राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण राज्य है, स्वाभाविक है कि आप इतने बड़े राज्य में अगर कोई बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम होगा तो उसका राष्ट्रीय राजनीति पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन राष्ट्र की राजनीति में कुछ तय करके उसके बाद उसको जामा बिहार में पहनाया जा रहा है, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। ये पूरा जो प्रयास है वो इसके लिए है कि बिहार में जो लोग सज्जन सत्ता में बने रहना चाहते हैं उन्होंने उसको सोच समझ के एक निर्णय लिया है। एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों को इस घटना पर चर्चा कर कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग 17 का जिक्र कर रहे हैं। आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ कि 2012 से ये बिहार में किया जाने वाला छठवां प्रयोग है, छठवीं सरकार है और 6 अलग अलग सरकारों के फॉर्मेशन में 5 बार तो मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे हैं, 1 बार सिर्फ बीच में मांझी जी बने थे, वो भी नीतीश जी ने ही बनवाया था। तो मोर और लेस इस पूरे 10 साल के राजनीतिक उथल पुथल के दौर में 2 बातें बिल्कुल कॉन्स्टेंट हैं, 1 नीतीश जी का मुख्यमंत्री बने रहना और दूसरा बिहार की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से बिहार की बदहाली। बिहार के विकास की चर्चा कोई नहीं कर रहा है, चाहे फॉर्मेशन कुछ भी हो। आपने देखा 2012 में एनडीए की सरकार जब चल रही थी उस समय से जब नीतीश जी उससे अलग हुए तो पहले अकेले चलाया, फिर 14 में जब चुनाव हार गए तो मांझी जी को बना दिया, फिर आरजेडी के साथ महागठबंधन बनाकर 15 में चुनाव लड़े, फिर 17 में एनडीए में वापस चले गए, फिर 20 में एनडीए से चुनाव लड़े, फिर 22 में वापस एक नए महागठबंधन में चले गए जिसमें 7 दल शामिल है। क्योंकि ये जो महागठबंधन है इसमें 7 दल हैं, 15 के महागठबंधन में लेफ्ट पार्टियां नहीं शामिल थी। तो आप इसमें मांझी जी की पार्टी एक अलग पार्टी है, दोनों 3 लेफ्ट की पार्टियां हैं, तो 3 और 1 4 पार्टियां अधिक हैं 15 के मुकाबले। और जो लोग भी आप लोग राजनीतिक गतिविधियों को कैप्चर करते हैं, फॉलो करते हैं, गठबंधन में जितने ज्यादा दल होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्थायित्व में परेशानी है, उसको साधने में चलाने में उतनी ज्यादा परेशानी आने वाली है। आपने अभी देखा होगा, कल मैं पढ़ रहा था कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद जी का बयान आया है कि कांग्रेस ठगा हुआ महसूस कर रही है, कि कांग्रेस को सही डिपार्टमेंट नहीं मिला या सही संख्या में उनके मंत्री नहीं बने। तो अभी तो ये शुरुआत है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 10 साल में 6 प्रयोग हुए,
जब भी नया कोई प्रयोग होता है ऐसा ही लगता है कि यही प्रयोग बिहार के लिए सबसे स्थिर और स्थायी और बेहतर होने वाला है। साल दो साल में आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, नहीं चल पाया। अब तो है कि जब आप लोकतंत्र में किसी भी जगह पर जाएंगे तो जो भी 100 वोट पहले वहां पड़ा होगा वो किसी ना किसी दो या तीन पार्टियों में ही पड़ा होगा। ऐसा तो होता नहीं है कि 100 आदमी ने वोट किया तो 30 आदमी किसी पार्टी को वोट ही नहीं करेगा। तो अगर बिहार में दो भाग में वोट बटा हुआ है तो आप मुझे वो राज्य बता दीजिए जहां पर कि वोट खाली पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर अभियान शुरू करें। भाई पहले से तो वोट कहीं ना कहीं पड़ा ही रहेगा। दूसरा, जो अगर आपको एग्जांपल दें, वेस्ट बंगाल में जब तृणमूल ने काम शुरू किया होगा 10 साल पहले, उससे पहले भी वहां पर दो ध्रुव में एक साइड लेफ्ट और एक साइड कांग्रेस। जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम शुरू किया होगा उससे पहले वहां बीजेपी और कांग्रेस में 100% वोट बटा हुआ था। जब जगनमोहन रेड्डी ने काम शुरू किया होगा तो टीडीपी और कांग्रेस में वोट 100% बटा हुआ था। जब भी कोई आप नया प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है कि पहले का वोट तो किसी दो या तीन में बटा हुआ रहेगा। और हमने अभी कोई दल बनाया नहीं है, जब दल बनाएंगे उस समय आपको बताएंगे कि किस गठबंधन से, किस समीकरण से कौन सा वोट निकल कर आएगा। देखिए, जो मेरा भारी आलोचक है वो भी ये बात तो मानेगा कि भाई और कुछ हो जाए नहीं, प्रशांत किशोर को थोड़ी बहुत तो चुनाव की समझ जरूर है, ज्यादा नहीं होगी शायद जितना आप समझते हैं या यहाँ चुनाव के विशेषज्ञ राजनीतिक विश्लेषक समझते हैं, शायद उतना मैं ना समझता हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत चुनाव की समझ तो हमको भी होगी। और अगर हम सब सोच समझ कर यहाँ आए हैं तो आप ये मान कर चलिए कि दिमाग में उसको जीतने का खाका बना कर आए होंगे। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ते हैं। अगर लड़ने यहाँ आए हैं तो जीतने का उसका खाका दिमाग में बना कर आए होंगे। जीत पाए या नहीं वो एक अलग कहानी है। संभव है कि उसको करने में 2 साल लगे, संभव है उसको करने में 5 साल लगे। आप बता रहे हैं कि बिहार में सारे लोग दो भाग में बटे हुए हैं। मैंने यहाँ 1 साल पहले एक स्टडी कराया बिहार में और उसमें 67% लोगों ने 67% लोगों ने बताया कि बिहार में कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा कि प्रशांत किशोर होने चाहिए, लेकिन बिहार में नया और बेहतर कुछ होना चाहिए ये बात शायद हमसे आप बेहतर जानते हैं क्योंकि आप समाज में रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। हम लोगों ने तो एक स्टडी कराया तो उसमें पाया 67% लोग कह रहे हैं कि कुछ नया और बेहतर होना चाहिए। अब नया और बेहतर के लिए जो आदमी भी प्रयास करेगा, जिस आदमी की भी विश्वसनीयता जनता में बनेगी, जिसकी पात्रता लोगों को समझ में आएगी, उसको वो सफलता मेरी समझ से, जो मेरा प्रोफेशनल असेसमेंट है, वो मिल सकता है।